हेलो एवरीवन, आज मैं महिलाओं के क्या अधिकार हैं, भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार, इस टॉपिक को मैं आज एक्सप्लेन करूं कि देखिए भारत में महिलाओं को बहुत सारे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। कानूनी अधिकार चाहे वो विधिक रूप से हो या बिना विधिक के, महिलाओं को ऐसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। कुछ जो शिक्षित महिलाएं हैं वो उनको पता है कि क्या कानूनी अधिकार है, लेकिन वो भी नहीं पता है कि हम अगर न्यायालय में जाएंगे तो क्या मुझे अधिकार दिया जाएगा या नहीं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो शिक्षित अगर हैं तो वो फिर भी वो न्यायालय में नहीं जाना चाहती, वो अपने अधिकार को नहीं लेना चाहती है। तो मैं महिलाओं के कुछ ऐसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं जो हमारे भारतीय संविधान में भी कहा गया है, भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में कहा गया है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न, मतलब कि नहीं किया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि अगर मेल फीमेल को इक्वल समानता, राइट टू इक्वालिटी भी कहेगी, समानता का अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 21 भी कहा गया है कि उनको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर किसी ट्रेड में वर्क कर रही हैं तो उनको इक्वल राइट्स दिया जाएगा, कहीं उनका टॉर्चर शोषण नहीं किया जाएगा। तो ऐसे इसके लिए बहुत सारे भारत में संविधान के द्वारा अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो छोटे छोटे हैं, जो डेली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे सिचुएशन हो जाती है, ऐसे क्राइम हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ ऐसे अधिकार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भारत में जब संविधान में कहा गया कि इनको इक्वलिटी दिया जाए, समानता दिया जाए, लेकिन फिर भी आज के समय तक देख लीजिए कि 2020 तक, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भारत में जो लैंगिक भेदभाव है उसको, मतलब कि उसको भेदभाव को समाप्त अभी तक नहीं किया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय दे दिया है, जैसे मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया गया है। बहुत बड़ी, मतलब कि ऐसी आवाज़ एक साथ आई कि उच्चतम न्यायालय को निर्णय देना पड़ा कि तिलक जो आपका ट्रिपल तलाक है उसको समाप्त करके, अगर कोई ट्रिपल तलाक करता है तो उसके विरुद्ध FIR करके उसको दंडित की सजा भी दी गई है। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ अगर बाई चांस रेप हो गया, कुछ ऐसा उनके साथ फिजिकल हरेसमेंट हो रहा है, तो वो न्यायालय के सामने जो है अपनी गोपनीयता बना करके वो उनकी जो न्यायालय कार्रवाई होगी, स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्यायालय उनकी गठित करके उनको तुरंत से तुरंत निर्णय दिया जाएगा। और अभी जो एक ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है, वो अधिकार जन्म से ही अधिकार दिया गया है। अब मैं आप कुछ है जो जनरल सामान्य तरीके से जो अधिकार है, कुछ ऐसे अधिकार है जो हमारी जो महिलाएं, जो आपकी फीमेल है, चाहे वो 1 ईयर की हो या आपके प्रेजेंट लाइफ लास्ट जिस भी एज की हो, उनको बहुत सारे ऐसे अधिकार उनको पता ही नहीं है। अगर किसी महिला के साथ, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर रेप हो जा रहे हैं, रेप होने के बाद तो वो क्या है, उनको 0 FIR का अधिकार दिया है। 0 FIR क्या है कि अगर वो महिला खुद रेप होने के बाद जो है पुलिस स्टेशन जा रही है, तो उस उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया गया है तुरंत उसकी सुनवाई और वो FIR तुरंत रजिस्टर्ड किया जाएगा। सेकेंड है कि पुलिस स्टेशन पर महिलाओं को नहीं बुलाया जाएगा, उसको मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि आप पुलिस स्टेशन आइए तभी आपका जो है FIR लिखा जाएगा, आपकी कार्रवाई जो भी अपराध हुआ है कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। हमारी CRPC सेक्शन, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 160 में एक्सप्लेन कह दिया गया है कि अगर कोई महिला की मित्र है उसकी सहायता से, या कोई महिला पुलिस है उसकी सहायता से, वो जा करके वो अपनी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है। और किसी भी समय शिकायत करने का अधिकार दिया गया है, कोई ये समय निश्चित नहीं कि सुबह ही, किसी भी 24 आवर्स वो कभी भी वो अपना जो चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो जा करके वो अपना शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। और महिलाएं जो है फ्री में कानूनी सहायता प्राप्त करने का उनको अधिकार दिया गया है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, जो जिनके पास कोई पैसे नहीं है, वो न्यायालय में कैसे अपने उपचार प्राप्त करें, तो उनको फ्री में कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि
महिला विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर दिया गया है 1-800-419-0234। वो टोल फ्री नंबर पे फोन करके अपना वो शिकायत वहाँ पे दर्ज करा सकती हैं, और जो उनका क्षेत्र होगा, जुरिडिक्शन होगा, उस क्षेत्र में जा करके वहाँ पे उनकी कार्रवाई की जाएगी और वहाँ से पुलिस के द्वारा जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की रिपोर्ट दर्ज होगा और जो न्यायालय में फिर कार्रवाई शुरू होगी। महिला सुरक्षा हेतु महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस वेबसाइट भी बनाई गई है। सिटीजन सर्विस से संबंधित www.upportcrimeagainst ये उनकी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे भी जा करके रजिस्टर्ड हो करके भी आप अपना कंप्लेन करा सकती हैं। नेक्स्ट है कि फ्री में कानूनी सहायता तो दी गई है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इनके पास वो गलत प्रयोग कर रही हैं, लेकिन उनके लिए ये सहायता नहीं दी गई कि उनके पास पैसे लेकिन फिर भी फ्री में सहायता लेना चाहती हैं, तो उनको ऐसा अधिकार नहीं दिया जाएगा। गोपनीयता का अधिकार हमारे जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 164 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी महिला कोई न्यायालय के सामने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान प्रस्तुत कर रही है, कोई ऐसा उसके साथ आपके फिजिकल हरेसमेंट हुआ है, कोई मेंटल टॉर्चर हुआ है, तो महिला पुलिस के सामने 164 के द्वारे अपना बयान दर्ज करा सकती है, अपने नाम को छुपा सकती है, और गोपनीयता में है कि कोई प्रेस में उसका भी नेम जो है रिलीज नहीं किया जाएगा, किसी चैनल पे रिलीज नहीं किया जाए। इंटरनेट के माध्यम से उनको शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। अब इंटरनेट के माध्यम से क्या है, हमारी भारत सरकार ने महिलाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए 1090 जो ये नंबर इशू किया है, कोई भी महिला 24 घंटे में कभी भी इस नंबर पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकती है, कंप्लेन कर सकती है, किसी के विरुद्ध कोई भी उसके विरुद्ध अगर अपराध हुआ है तो वहाँ पे वो अपना दर्ज करा सकती है। और नेक्स्ट अधिकार दिया गया नो अरेस्ट, मतलब महिला को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो ऐसी महिलाएं हैं जो अगर उसने कोई अपराध भी कर दिया है तो जो सुबह 6 बजे जो शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 के बीच में उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर गिरफ्तार किसी कंडीशन में करना भी है तो महिला पुलिस का होना आवश्यक है, तभी जो है उसको वो गिरफ्तार कर सकती है, और उसको 24 घंटे तक बिना बताए किसी कारण को उसमें जो है थाने पे उसको रखा नहीं जाएगा, उसको कारण बताया जाएगा तभी उसको थाने में उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि गोपनीयता का अधिकार, कि अगर कोई महिला है उसकी पहचान वो छुपाना चाहती है नहीं, जैसे साइबर क्राइम होते हैं तो वो अपना नाम नहीं रजिस्टर कंप्लेन तो किया लेकिन अपना नाम छुपा रही है, छुपाना चाहती, तो IPC सेक्शन 228A क्लॉज ए के तहत वो जो है महिला अपने नाम को सार्वजनिक नहीं कर सकती, उसको ये अधिकार दिया गया है, और कोई प्रेस में भी उसका नाम रिलीज नहीं किया जाएगा। तो ये गोपनीयता का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं उनको जो है मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल में मैसेज भेजा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो उनको ये अधिकार दिया गया आप कंप्लेन कर सकती हैं। जैसे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो वहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है, तो ऐसे महिलाओं के नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल क्षेत्र में भी उनको अधिकार दिया गया, मेडिकल की अगर किसी महिला का मेडिकल एग्जामिन होना है जैसे रेप केस में, तो वहाँ पे महिला जो होगी ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर ही के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा, और इसकी जो रिपोर्ट आई है महिला का मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा, उसकी एक रिपोर्ट कॉपी उसे दी जाएगी और दूसरी कॉपी जो है वो जिसके सामने उसका मेडिकल रिपोर्ट है मेडिकल ऑफिसर जो होगी वो अपने पास रखेगी, और कोई भी उससे संबंधित कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पर उसको टॉर्चर मेंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर वहाँ पे नहीं किया जाएगा। और शारीरिक शोषण का अधिकार कि महिलाएं जो है कि जो कार्यस्थल पे काम कर रही हैं, जो चाहे वो नाइट शिफ्ट में तो उनको अपॉइंट किया नहीं जाएगा कि आपको शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 के बीच में उनका अपॉइंटमेंट रात में नहीं किया जाएगा, किया जा रहा है तो क्या कारण है क्या कंडीशन है, तो उनको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अगर कोई कार्यस्थल पे उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है, मानसिक मेंटल हरेसमेंट हो रहा है, तो वो जो है इसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम के द्वारा उसके विरुद्ध वो कार्रवाई कर सकती हैं। भारत में जो और ऐसी महिलाएं हैं जो
अपने घर में ही बैठ कर, मतलब कि घर में ही रह रही हैं, घर से नहीं निकलना चाह रही हैं। जैसे है कोई घर में है, बहू है, बहू वो सोचती कि मैं बाहर कैसे जाऊं, कंप्लेन करने कैसे जाऊं, अगर उसके साथ उसको ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, बॉस परेशान कर रहा है, कोई लड़का परेशान कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कैसे हम कहाँ जाएँ करके कंप्लेन करें। तो हमारी भारत सरकार ने 1090 नंबर जो इशू किया है उस पर आप फ़ोन से एक कॉल करके वो शिकायत कर सकती हैं, किसी भी संबंध से संबंधित वो आप कर सकती हैं। अब मेंटेनेंस, जैसे कोई महिलाएं होती हैं उनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, तलाक हो गया है उसके बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए, अपने गुजारा भत्ता के लिए सीआरपीसी सेक्शन, कुछ महिलाएं जो कार्य स्थल पे काम कर रही हैं, तो ऐसी महिलाएं जो है उनको ये नहीं पता है कि उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा अगर किसी भी कार्यस्थल पे महिला पुरुष समान कार्य रहते हैं तो उनको बराबर का वेतन दिया जाएगा, उनको बराबर उन्नति दी जाएगी, उनका प्रमोशन किया जाएगा। बहुत जितनी फैसिलिटीज़ आपको मेल्स को दी जा रही है वो फीमेल्स को भी दी जाएगी। और वर्क प्लेस पे ये भी कार्य स्तर पर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, तो सेक्सुअल अगर हरेसमेंट हो रहा है, चाहे मेंटल हो रहा है या फिजिकल, आपके लिए इसके लिए सेक्सुअल हरेसमेंट वोमेन प्रोहिबिशंस एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 आपका जो है इसमें पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा अगर मेंटल हरेसमेंट या आपके फिजिकल हरेसमेंट किया जा रहा है तो ऐसी महिलाएं 1090 दो महिला जो सुरक्षा के लिए नंबर जारी किया गया 1090 पर कंप्लेन कर सकते हैं, और इस अधिनियम पर तुरंत उस अधिनियम के द्वारा उनके विरुद्ध जो भी स्थल पर शोषण करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस अगर उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर रही है तो सूर्य अस्त के पश्चात किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सुबह 6 बजे के बाद ही महिलाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। और महिलाओं के जो ऐसे बहुत सारे ऐसे अधिकार है कार्यस्थल पर कार रही, कुछ ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी महिलाओं को लगातार खड़ा करके काम नहीं कराया जा सकता है, उनके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया है, आपका है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम इस 1965। इस अधिनियम के द्वारा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको अलग से स्पेशल लीव दी जाएगी कि डिलीवरी बिफोर और आफ्टर डिलीवरी, वो जो है उनको ये अधिकार दिया गया है कि उनको ये उनको अगर लीव दी जा रही है, लीव के साथ उनको जो है पेमेंट भी दिया जाएगा और बहुत सारे मेडिकल बोनस दिया जाएगा, बहुत सारे ऐसे अधिकार जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के द्वारा दिया जाएगा। अगर कार्यस्थल पे वो डिलीवरी के बाद जा रही हैं, अगर उस कार्यस्थल पर 30 ज़्यादा महिलाएं वहाँ पे नियुक्त हैं तो वहाँ पे एक क्रश बनाया जाएगा कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे रख सकें, जिससे वो बार बार उनकी देखभाल कर सकें, और उनको रेस्ट टाइम पीरियड भी जस्ट डबल दिया जाएगा। तो हमारे जो महिलाएं हैं भारत की महिलाएं, उनको बहुत सारे ऐसे विधिक अधिकार दिए गए हैं, और कुछ ऐसे विधि का अधिकार दिए गए हैं जो भारत संविधान के द्वारा भी गए। कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो उनको पता ही नहीं कौन से अधिकार है, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप लोग को कुछ अधिकार के बारे में पता करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकती हैं कि हमें कौन से ऐसे अधिकार किस मुसीबत में हमको उसका हम यूज़ कर सकें, तो हम उसका ज़रूर आप लोग की हेल्प करेंगे, जवाब देंगे। तो प्लीज़ आप जब भी मेरा ये यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो उसमें एक रेड बटन होता है, उसको प्लीज़ क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, अगर ये पसंद आए इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू very much।